2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा प्रमुख मायावती रविवार को हुई मीटिंग में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया से दूरी बनाए रखकर अपनी ताकत को मजबूत करने की हिदायत दी है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को 2024 की रणनीति समझाई। दरअसल मायावती ने रविवार को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में यूपी और उत्तराखंड में पार्टी की तैयारी, सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही अन्य जरूरी मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मायावती ने बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी अलायंस इंडिया दोनों ही अलायंस से पूरी दूरी बनाए रखकर अपनी ताकत को और बढ़ाने पर काम करने के निर्देश दिए हैं। बसपा अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फर्जी खबर और दुष्प्रचार से अपने लोगों को सावधान करते हुए कहा, बसपा विरोधी तत्व राजनीतिक साजिश के बीच बीच में इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहने से अब भी रुक नहीं रहे हैं, इसलिए हर स्तर पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि अपनी चुनावी तैयारी किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो पाए। बयान के मुताबिक मायावती ने बीजेपी के चुनावी रणनीति के जिक्र पर कहा, देश के लोगों की ज्वलंत समस्याएं जैसे कि विचलित करने वाली महंगाई, अति गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, बदहाल सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था लोगों के दिल दिमाग पर हावी जरूर है, मगर ये कितना गंभीर चुनावी मुद्दा बन पाएगा यह भी कहना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनहित और जनकल्याण के इन मामलों में बीजेपी और कांग्रेस का रवैया लगभग एक जैसा ही जनविरोधी देखने को मिलता रहा है। मायावती ने कहा कि सदियों से जातिवाद के आधार पर सामाजिक और आर्थिक शोषण, अन्याय और गैर बराबरी का शिकार रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मुक्ति और उनकी समानता के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, मगर उसे भी निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने का प्रयास हर स्तर पर लगातार जारी है। उन्होंने कहा, जब तक समाज में और सरकार में गैर बराबरी वाली नीयत और नीति जारी रहेगी, तब तक आरक्षण का सही लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। मायावती ने यूपी सरकार की कथित बुलडोजर नीति की आलोचना करते हुए कहा, जिस प्रकार से एक व्यक्ति की केस में दोष सिद्धि से पहले ही अंधाधुंध बुलडोजर चलाकर उसके परिवार को दंडित किया जा रहा है और उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी सजा घोषित होने से पहले ही उसके शिक्षण संस्थाओं और अब अस्पतालों तक को बंद किया जा रहा है, ये घोर जनविरोधी कदम है। इससे आम जनहित प्रभावित हो रहा है और लोगों की परेशानी बहुत बढ़ रही है। सरकार की ऐसी कार्रवाई जनता की नजर में द्वेषपूर्ण और पूरी तरह से गैर जरूरी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।